अभी अभी मैंने ऐसे आधी फील ली है क्योंकि मैं ऐसे आया अंदर उड़ता उड़ता ऊपर आया हूँ. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस. इट्स वेरी वेरी लाइक एयर. इन फैक्ट आई रिमेम्बर या इट हैज दैट सॉर्ट ऑफ वाइब एंड नो नो बट या आई थिंक वन बाय वन बॉम्बे इज चेंजिंग. लाइक दिल्ली वॉज द फर्स्ट वन टू हिट दैट क्रेजी क्लब कल्चर. लाइक ड्यूअल लेवल्स ऑल्सो फर्स्ट टाइम सीइंग. सो कांग्रेट्स या थैंक्स लॉट फॉर कमिंग. अली भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं. मैं जो भी अच्छी चीज़ करता हूँ बुरी चीज़ करता हूँ उन्हें बड़ा इरिटेट करता हूँ लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करते हैं. थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं लेकिन काफ़ी सपोर्ट करते हैं. अभी आते उन्हें बोले तू शक्ल से तो अच्छा दिखता है लेकिन इरिटेट क्यों करता है. बट आई लव हिम. मैं बहुत समय से अली भाई के साथ हूँ और बहुत प्यार करता हूँ उन्हें. और मैंने स्पेशली जब मेरा नया न्यू वेंचर था तो मैं दिस माय सेकंड वेंचर. सो मैंने अली भाई को स्पेशली बोला भाई प्लीज़ डू कम. आप आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो बस मेरी मॉम है अली भाई है एंड आई एम वेरी हैप्पी यार. थैंक यू. और क्या चाहिए इससे ज़्यादा एक माँ को कि हमारा बच्चा कामयाब हो रहा है और इतनी अच्छी जगह पे और एक छोड़ के दो बेटे मेरे यहाँ पे है तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे को क्या होगी. थैंक यू. आई थिंक ये सिर्फ वक्त का एक वो था. इट हैड टू हैपन. वी हैव टू शेयर नोट्स इवेंचुअली एंड हमारी सिनेमा ग्लोबल हो रही है. बाहुबली हैज बिकम सच अ ह्यूज हिट राइट नाउ और एक्टर्स एक एक करके जा रहे हैं. आई थिंक इट्स अ गुड टाइम. इट्स अ ग्रेट टाइम. माई फिल्म इज ऑल्सो कमिंग आउट सून. सो आई एम रियली एक्साइटेड. No, I'm very happy. The place is something different and we are trying to give something different to everybody. You'll not find such a place in this area especially. So we are trying to up-place the market and hopefully people will like it and enjoy the place. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. स्पेशली इट्स अ रूफ टॉप प्लेस एंड बहुत गर्मी हो रही है बॉम्बे में ऑलरेडी एंड द टेम्परेचर इज राइजिंग. तो आई थिंक दिस प्लेस शुड बी लाइक कूल टू चिल एंड अच्छा म्यूजिक है तो आई एम श्योर द यंगस्टर्स शुड हैव कम ओवर हियर एंड चिल. आई एम हियर टू चिल. सो आई एम टूरिंग विद सुनील ग्रोवर जो मशहूर गुलाटी हैं. आई प्ले हिज नर्स. हम लोग लाइव शोज साथ में करते हैं एंड कुछ फिल्मों पर काम चल रहा है. जैसे ही उन पर रिलीज डेट की सील लग जाती है आप सबको बहुत जल्द पता चलेगा दैट यू विल सी काजल वशिष्ठ न्यू डिफरेंट रोल्स एंड विश मी लक. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. ही इज़ ए ग्रेट एक्टर मोर देन कॉमेडियन एंड आई थिंक वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स है जैसे मैंने उनके साथ जब ज्वाइन किया ही हैज़ ऑलवेज टॉट मी. उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है एज एक्टर. जब आप थिएटर करते हैं बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो शायद आपको किताबों से या कोई भी आपको सिखा नहीं सकता. यू लर्न इट ऑन द जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक बहुत ही लकी हूँ मैं शायद दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विथ हिम लर्न फ्रॉम हिम. ही इज़ द टॉप मोस्ट एक्टर. आई मीन एट द प्रेजेंट आई थिंक उनसे अच्छा कॉमेडियन एक्टर है नहीं कोई. तो या लर्निंग इन प्रोसेस. थैंक यू. Mumbai nightlife is the most happening in all over the world, like I should say. You can easily compare it to Dubai or any other foreign big city. And this place I love because we needed some such thing in this area because we have to go far to party or to chill or you know rooftop kind of experience. So I think this will rock and I would love to come here again and again. Thank you. Thank you so much. I won Elite Mrs. India 2016, which was held in Jaipur last year, 2016. And now we are having 2017 in Mysore, which is gonna be a grander show than 2016. What was the challenge in winning the pageant? Sorry? What was the challenge in winning the pageant? See, last time also they were looking for beauty with brains, and this year also we are looking for someone, you know, who justify this title. So, what was
so many women like as you know Priyanka Chopra is you know ruling the Bollywood as well as Hollywood. So do you have the inspiration aisa hai ki aap bhi aaj bahar ja ke project mein kaam kare? लेकिन मिसेज एलीट इंडिया जीतने के बाद में मुझे मिसेज यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे एक्सपोजर मिला. वहाँ से आने के बाद में मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिले मूवीज़ के, सीरियल्स के, टॉलीवुड, बॉलीवुड, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आई कैनॉट लीव माई फैमिली फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. बट येस आई एम डूइंग शूट्स, म्यूजिक वीडियोज एंड यू नो स्टिल शूट्स. मैं थैलेसीमिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और काफ़ी एन जी ओज के साथ जुड़ी हुई हूँ और हमारा खुद का कॉज है एसिड अटैक सर्वाइवर्स, सो उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू लेटर ऑन. हर मुंबई नाइट कल्चर मतलब मुंबई की तो जान है, मुंबई की ब्रीथ है, एक जो फन होता है मतलब आज लोग थक के भाग के आते हैं, हम भी शूटिंग से आते हैं नाइट क्लब में जाने को बहुत मन जाता है, लेकिन शूटिंग के दरमियान हम तो जा नहीं पाते, वो इंजॉय नहीं कर पाते. जब आते हैं एक डेढ़ घंटा दो घंटा भी निकालो और लाइक दिस जो मेरा कर्म मेरा भाई है मेरा दोस्त है इसने आज ये होटल खोला हुआ है होटल एम्प्रेस एंड ये रूफ टॉप बड़ा एम्बियंस. अभी फूड तो अभी खाने जा रहा हूँ मैं, या आपने पकड़ लिया इसलिए मैं यहाँ हूँ. मुझे तो बहुत जल्दी आवाज़ जाने की लेकिन ब्यूटीफुल एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल है और ये हमारी जान है हमारा ब्रीथ है. मैं तो अभी मराठी फिल्म कर रहा हूँ, बाद में अभी कल तक मैं गोलमाल 4 की शूट कर रहा था, वहाँ इंजॉय कर रहे हैं. हैदराबाद भी जाने का वहाँ हम शूट कर रहे थे, वहाँ भी एक नाइट क्लब हम लोग गए थे बहुत एंजॉय किया. मतलब ये गोलमाल तो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब वही फन है वही आपको एंजॉयमेंट मिलेगी लेकिन एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ हमारी एक फिल्म है. प्रकाश राज ऐड है उसमें, नील नितिन मुकेश है, परिणीता चोपड़ा ऐड है एंड तब्बूजी, तो हम तो पहले से हैं लगे पड़े और उसमें ये कास्टिंग ऐड हुई है तो एक डिफरेंट फन है, डिफरेंट फिल्म है, बहुत मज़ा आ रहा है. थैंक यू. या इट्स अ हैपनिंग प्लेस. मैं सलो सिटी की तरफ से यहाँ पे आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खूबसूरत शाम है और हम लोग यहाँ पे शायद बहुत मज़े करने वाले हैं. बिग बॉस एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, दैट्स वाई आई एम अचीविंग दिस अटेंशन. अदरवाइज कहाँ आदमी को मौका मिल पाता है अच्छे अच्छे प्रेस रिपोर्टर्स और अच्छे अच्छे कैमराज के फेस करने का. वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस. आई लॉस्ट माई 17 kg वेट इन एंटायर जर्नी, सो वो एक ज़बरदस्त वाला एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया उसमें. सी अगर मैंने बिग बॉस किया तो आई जस्ट वॉन्ट टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री, ये गोल मेरा क्लियर है. सो बाय द ब्लेस ऑफ गॉड और आपकी दुआओं से अगर कुछ अचीव करता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस करूँगा. अपकमिंग मेरा एक शो आने वाला है MTV's के साथ जिसका नाम है डेट टू रिमेंबर, उसको मैं होस्ट करने जा रहा हूँ. सो नीड योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस. थैंक यू. ऑफकोर्स एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और मुझे अच्छा लगता है जब वो कुछ भी नया करता है. ही इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती होगी जब वो कोई भी नया स्टेप लेते हैं. करण, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम और मैं बस यही चाहती हूँ कि वो ऐसे ही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और ऐसे आगे बढ़ते जाएँ. हमारी फिल्म दिल हिंदुस्तानी बन रही है जो हमारा जॉइंट वेंचर है मेरा और करण का. ड्यू टू सम पॉलिटिकल जो बीच में इलेक्शन वगैरह सब शुरू हो गए तो उसकी वजह से वो डिले हो गया था, बट सून मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के एंड में हम लोग उसकी शूटिंग शुरू करेंगे. उसके अलावा अभी कंपनी है एम्प्रर मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी डायरेक्टर हूँ. उनके उस प्रोडक्शन हाउस से मैं एक बहुत बड़ा इवेंट करवाने जा रही हूँ लखनऊ में, मिस्टर मिस लखनऊ 2017, उसकी तैयारी कर रही हूँ. एक फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं जुलाई एंडिंग में शुरू करूँगी. तो आई एम क्वाइट बिजी इन दिस ईयर और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हमेशा बिजी रहती हूँ. Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de
लॉन्चिंग में कितना मजा कर रहे हैं आप? रूफ टॉप की जो है वो बात ही अलग होती है, खासतौर पे मुंबई जैसे शहर में बहुत कम रूफ टॉप जगहें हैं जो जो अच्छी हैं, और सबर्ब्स में तो आई थिंक ये पहली जगह है, बिकॉज बाकी जो रूफ टॉप्स हैं वो सारे टाउन है, तो जब भी हमें कभी अच्छी हवा का मज़ा लेना होता था, अच्छे वेदर का मज़ा लेना होता था, तो हम बहुत दूर जाया करते थे। लेकिन प्लस पॉइंट इस जगह का ये है कि एक तो मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो घर है वो एकदम वॉकिंग भी नहीं है, मैं तो मतलब ऐसे डालूं और सीधा करके आ जाऊं इधर, तो मेरे तो घर के एकदम बाजू में ही है ये, अच्छी जगह बनाई है। आई होप कि यहाँ पे पार्टीज या गेट टुगेदर्स भी बहुत अच्छी हैं। वो लुक ना कैमरे में नहीं दी जाती है, सीधा आंखों पे लाइट बढ़ती है। लेकिन अगर टाइम मिलता है तो कौन सा प्रेफरेंशियल जगह है आपका मुंबई में, हॉटस्पॉट कौन सा है आपका? देखिए मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरी कंपनी वो ज़्यादा मैटर करती है। एरिया कोई भी हो, जगह कोई भी हो, खाना किसी भी तरह का हो, एज लॉन्ग एज माई फ्रेंड्स आर विद मी आई एंजॉय दैट मोमेंट। देखिए मेरा मानना है कि इंसान स्पेशली एक एक्टर को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा नया लुक ट्राई करते रहना चाहिए, यू नेवर नो बिकॉज, और मेरा तो खासतौर पर एक ऐसा लुक रह चुका है जो दिलों पर, दिमाग पर और आँखों में ऐसा छा गया था वो लुक, कि मैंने कहा इट्स हाई टाइम आई नीड टू चेंज माई लुक एंड आई होप आई एम लुकिंग नाइस एंड डिफरेंट। तो ये लुक इसीलिए है कि कुछ नया करें, कुछ नए किरदार में करें और बहुत जल्द करें। अभी एक साइबर अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि उसके बारे में क्या कहना है? हाँ वो मैंने पता नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे उसकी न्यूज़ काफ़ी देखी है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बट आई डोंट नो, बेसिक चीज़ें होती हैं, कभी भी किसी भी अननोन मैसेज को या ईमेल को कभी भी खोलना नहीं चाहिए अनलेस एंड अंटिल आप जानते नहीं कि वो कहाँ से आया है। तो अगर ये बेसिक चीज़ अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आई थिंक आप ख्याल रखा जा सकता है। ये भी कहना चाहूँगा, यू आर पार्ट ऑफ द मेजर शोज में, आज के दौर में कितनी सारी शोज हैं, कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया और कितना जेन्यून हो गया है एक अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करना दर्शकों को? देखिए हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो राइटर्स नहीं है, और मैं राइटिंग को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले आज तक जितने भी काम किए हैं वो अच्छी राइटिंग, अच्छे डायलॉग्स, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करके, बट आज की डेट में उन राइटर्स की थोड़ी कमी हो गई है, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल शोज आते हैं बहुत जल्द आके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन लंबे रेस के घोड़े वही होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, बस ये है कि हाँ कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट ये है अपने आप को फिट रखो, अपने आप को उस लेवल पे रखो कि कल को कभी भी किसी भी रोल में ढलना हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो, आसानी हो। मेरे ख्याल से पार्टीज आर ऑलवेज नाइस, और रूफ टॉप रेस्टोरेंट है तो यू नो खुले आसमान के नीचे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बाजू में यहाँ पर पूल है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस, और आप लोगों को सब ऐसी जगहों पे आके ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि यूजली जो मुंबई में जगहें होती हैं वो सारी की सारी बंद होती हैं, हम चार दीवारी में पार्टी करते हैं, अंदर ज़ोर से म्यूज़िक बजता है, लेकिन ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ पर ऐसे खुले आसमान के नीचे आप लोग आके इन्जॉय कर सकते हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपके छोटे भाई खुराना साहब ने बोला कि घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हमें दिक्कत नहीं होगी दूर जाने। पहली बात तो ये बताओ ये खुराना छोटा भाई कब से हो गया मेरा? नाइट पार्टी में कितना एंजॉय करते हैं आप? आई थिंक इट्स ऑलवेज फन, कुछ साल पहले तक यू नो ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता था क्योंकि उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी और यू नो पूरी पूरी रात पार्टी करते थे, इन्जॉय करते थे, अब थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान ज़्यादा है तो इन्जॉय ज़रूर करते हैं, बट टाइम पर घर जाना अब ज़रूरी हो गया है। अभी खेल की बात करें, क्या तैयारी चल रही है आजकल? खेल तो अभी BCL शुरू होने वाला है और मेरी टीम फिर से एक्शन में आने वाली है, गुजरात की टीम है अहमदाबाद एक्सप्रेस,
तो सारे प्लेयर्स मोस्टली लॉक हो गए हैं एंड वी आर होपिंग टू विन दिस सीजन। अभी फिलहाल तो मैं अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो लाइंड अप हैं मेरे खुद के एक्टिंग के लिए। सो प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको अभी ज़्यादा नहीं बता सकता, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स फाइनल होंगे हम अनाउंस करेंगे तो वील लेट यू नो। बट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स देर आर टू शॉर्ट फिल्म्स दैट आई एम प्लानिंग टू डू, तो यस होपफुली इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यू विल सी मी इन टू शॉर्ट फिल्म्स। कुछ साइट अभी हैक हो गई है एटीएम वगैरह की जो आजकल वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि इट्स सैड कि ऐसी हैकिंग हुई है एंड इट्स अ मैसिव अटैक ऑन द एंटायर इंडिया एंटायर वर्ल्ड। और अपने क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन जो भी बैंकिंग है थोड़ा सोच समझ के कीजिए कौन सी साइट पे आप जा रहे हैं, किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। सो बिकॉज पिछले 2 दिन से पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा पैसे का कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है एंड थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि कैश विड्रॉ करने से भी मुझे डर लग रहा है एटीएम्स में जाके। सो यस मे बी अनदर डे और सो एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी सॉर्टेड। आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है दिन भर शूटिंग में रहते हैं, रात को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है थोड़ा सा, और सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं मेरे ख्याल से सबके लिए मुश्किल है। और हमारे शूटिंग वाले बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं जो कि डेली वेजेस में देने पड़ते हैं एंड कैश विड्रॉ करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। आपको बैंक जाना पड़ता है और बैंकिंग आवर्स जब तक शूट खत्म होता है तब तक बैंक सारे बंद हो जाते हैं। सो इट डज गेट अ लिटिल डिफिकल्ट बट आई थिंक इन अ डे और सो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, एक्चुअली होटल में भी पहली बार आया हूँ। एम्बियंस होटल का देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक्चुअली ये बहुत पहले की बात है जब यहाँ एक बंगला था हमारे एक बहुत प्यारे प्रोड्यूसर का, उस प्लॉट पे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बन गई मैं हैरान हूँ। और ये करण ने जो एफर्ट किया है ये बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्टी गाय, सो वी हैव यू नो पार्टीज एवरी वीकेंड, सो आई थिंक I'll be having more parties here now. हम लोग हर वीकेंड पे पार्टी करते हैं। लल्लू तो तब था, आज से 35 साल पहले, लेकिन आज भी लल्लू के नाम से बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए आप देख रहे हैं, लेकिन दिल अभी भी लल्लू जितना ही यंग है। सो वी पार्टी एवरी टाइम एवरी वीकेंड, और ये जगह बहुत हैपनिंग लग रही है मुझे एंड आई विश करण ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि ये इतनी प्राइम लोकेशन पे है तो डेफिनेटली इट गोइंग टू रॉक। मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, काला टीका चल रहा था जी टीवी पे और साथ निभाना साथिया में मैंने एक कैमियो मेरा हुआ था, वो ट्रैक अभी ख़त्म हुआ है। सब टीवी के लिए शायद मैं कुछ करूँगा जल्दी और बिग मैजिक के लिए, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज, एयर पर आएगा आप खुद देख लेना। आई वॉज इन टू डायरेक्शन ऑल्सो, तो शायद मैं नियर फ्यूचर में कुछ डायरेक्ट भी करूँगा। थैंक यू। थैंक यू। ये जगह यार बहुत ज़्यादा हैपनिंग है बिकॉज आइडियली बॉम्बे शहर में रूफ टॉप लाउंजेस जो होते हैं उनकी काफ़ी कमी है, ज़्यादा है नहीं है। एंड करण सिंह प्रिंस जिसकी जगह इज़ अ फ्रेंड, सो आई एम हैव टू कंग्रेचुलेट हिम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज ओपनिंग ऑफ दिस न्यू वेंचर। बट आई थिंक अच्छी जगह है एंड आज के टाइम पे एक यंगस्टर को एक एम्बियंस ये होता है एंड इफ यू हैव गुड म्यूजिक गुड एम्बियंस एंड यू हैव अ गुड कंपनी आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द लाउंज बेटर। आप कितनी बड़ी पार्टी नहीं मिले, आप कितना एंजॉय करते हैं पार्टी में जाना है? मैं एक्चुअली थोड़ा ऑपोजिट हूँ, मैं पार्टी में ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, मेरे को घर पर ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आई एम मोर ऑफ अ हाउस पार्टी काइंड ऑफ अ सीन। तो मेरे को ज़्यादा लाउंजेस वगैरह में ठीक है, कभी कभी ऑफिस में जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ घर पे बैठ के एंजॉय करने में। प्रोफेशनल फ्रंट वी जस्ट फिनिश्ड फुकरे रिटर्न्स दैट कम्स आउट इन डिसंबर 8th को वो रिलीज होगी फुकरे रिटर्न्स, उसकी शूट खत्म हो चुकी है एंड अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द फिल्म इन अ मंथ्स टाइम, इट्स कॉल्ड जिमी शेगल एंड मी, इट्स ऑन साइबर क्राइम, सो दैट इज व्हाट इज स्टार्टिंग ऑफ राइट नाउ। Hi, this is Varun Sharma and you are watching IBC 24. Okay, this is Neet, who is an upcoming star now
आप इनसे पूछ सकते हैं। आज आप इनको ऐसे भी देख रहे हैं, बहुत जल्दी ये बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे एज अ लीड रोल इज गोइंग टू कम। तो मेरा ड्रीम हमेशा से एक एक्टर बनने का ही था, अलग कैरेक्टर्स मूवीज करना, लोगों को एंटरटेन करना हमेशा से वही ड्रीम रहा है। एंड बचपन से ही फिल्म मेकिंग ये सब, फिलहाल असिस्टेंट कर रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और बहुत जल्दी आप मुझे मूवीज में देखोगे। मैं ऑडियंस को अलग वेज में एंटरटेन करना चाहता हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ, कंटेंट मूवीज करना चाहता हूँ, आर्टिस्टिक फिल्म हो, कमर्शियल फिल्म हो, बस चाहता हूँ कि ऑडियंस एंटरटेन हो और कुछ ना। फिलहाल कुछ बातें चल रही है जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बस बहुत जल्दी आप सबको पता लग ही जाएगा और बस। क्या 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 जगह अच्छा है। क्या बोल रहे हैं, जो जोर से बोलना। देखो मेरे फादर का, उन्होंने ये बात किया वो स्मगलर डॉन, मेरा बाप डॉन ने स्मगलर नहीं है, देने वाला आदमी था। अभी मेरे जो हाजी मस्तान मद्रास में पैदा हुआ, महाराष्ट्र ने सारा दिया, रजनीकांत महाराष्ट्र में पैदा हुआ, कर्नाटक में नौकरी करता था, मद्रास ने उसको सारा दिया, नाम दिया, रोशन किया। मेरे कहने क्या चाहता हूँ, हर आदमी तकलीफ से ऊपर आते हैं, दुख से ऊपर आते हैं, क्या क्या तकलीफ उठाया होगा, क्या क्या हुआ उनको खुद को मालूम है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। कहीं पेपर में ऐसा आया था आजी मस्तान डॉन, ये बादशाह से आजी मस्तान बनना चाहता है, अच्छा एक्टर है, अच्छा आदमी है, गरीबी देखा है। मैं ये चाहता हूँ अगर तुम आजी मस्तान का नाम का पिक्चर बनाना चाहते हो, तुमको आजी मस्तान के बारे में मालूम क्या, कुछ मालूम नहीं ना। रियल स्टोरी मैं बोलूँगा ना, बाप कहाँ से पैदा हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, समझा ना। वो स्मगलर ढोन नहीं है, वो दिल वाला था, देने वाला था, कोई उसको उंगली नहीं कर सकता है। इस्लाम में, मुसलमान में ऐसा आदमी कम मिलता है। मेरा नाम सुलेमान मिर्जा रखा था, मैं सुलेमान मिर्जा कबूल नहीं किया, क्यों? इस्लाम के मापे धर्म नहीं है, कुरान के मापे किताब नहीं है, चलने वाले मुझे मिलता नहीं है, क्यों? इस्लाम में यही बोलता, अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा कर, काना ने काना दे, कपड़ा ने कपड़ा दे, शादी ने होता शादी करा, वो अलग ही हिसाब किया। इस्लाम के मापे चलने लगा ना, वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, समझे ना। अभी बाप ने देखो, अभी बाप की वजह से मैं जिंदा हूँ, वो तो मैं भी बदमाश था, बाप ने मुझे सुधारा, इंसान बनाया, मैं एक ब्राह्मण हूँ, समझेगे नहीं। मुझे इतने चाहने लगा मैंने सारे चीज़ छोड़ दिया, राडे लपड़े सब छोड़ दिए, मेरे माँ ने बाप ने कोई नहीं, समझे ना। हिंदू में जन्म लिया, क्रिश्चियन ने सहारा दिया, मुसलमान ने बढ़ा दिया, नाम किया। इसके लिए मैं क्या कर रहा, रजनीकांत को ये नहीं बोल रहा, रजनीकांत अगर बाप का नाम का पिक्चर बनाना चाहते हो, आप आओ मिलो, रियल स्टोरी दूंगा, आपका भी नाम रहेगी, इज्जत रहेगी। देखो बंद मुट्ठी करके आते हैं, मुट्ठी खोल के जाते हैं, कुछ लाया कुछ नहीं, लेके जाएंगे कुछ नहीं, आप समझेंगे ना। अच्छा कर्म करो, आप आज हम हैं कल नहीं है, मरने के बाद तो लोग याद करना चाहिए। मैं ऐसा यही चाहता हूँ, मैं धमकी नहीं दिया, तो काली पुकट पेपर में आ गए, मैंने धमकी दिया, ये दिया, वो गलत बात है। आदमी वो अच्छा आदमी है, यही कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मद्रास ने उसको साथ दिया, नाम दिया आजी मस्तान, मद्रास में पैदा हुआ, महाराष्ट्र ने साथ दिया, नहीं आजी मस्तान के साथ अब
जो भी बोले इंदिरा गांधी अच्छी संबंध है, संजय गांधी अच्छा संबंध था, बाला साहब ठाकरे अच्छा संबंध थे, वो अलग ही इंसान था। कोई वो कोई ये नहीं बोल सकता, कोई उंगली दिखा समझे क्या। उस आदमी का मैं नाम जिंदा रखा हूँ। उन्होंने पहले दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाया था, उसमें रामदास आठोले, जोगेंद्र खवाड़े सब अपने पार्टी का थे, और अभी भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। बाप का नाम रखा हूँ, कब तक हम जिंदा रहेंगे बाप का नाम रखूँगा, इज्जत समझा ना। और दूसरी बात, छोटी सी बात बोलूँ, बाप मेरे शादी करा रहे हैं मुझे। मैं तो गुंडा था, मोहाली था, सब बोल दिया भाई इसको कौन शादी। बाप ने कुछ शौकी देखा के शादी कराया, सिल्क पहन के शादी करा रहे। सिल्क करीम लाला पूछ रहा है तुम सिल्क पहना, मेरा बेटे के शादी है। वो जो जबान है ना आज तक मेरे दिल में। अच्छा, मेरा जो बाप गुजरा शनिवार का दिन 25 तारीख, मेरा बेटा भी पैदा हुआ शनिवार का दिन 25 तारीख, समझे ना। उसका नाम रखा हूँ छीरा। क्या है, बाप बाप है। अभी बोलता ना, जितने भी बॉम्बे के होशियारे समझदार है शाने, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, है ना, सब बाप के नाम से आगे। और क्या बोलना चाहता हूँ, नहीं कोई गलत बात नहीं निकले, बाप के नाम का गलत नहीं। यूएसपी है कि सबसे बड़ी बात मुंबई में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा किल्लत है वो है खुली हवा, खुले आसमान के नीचे बैठ के पार्टी करना। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज यू हैव अ पूल ऑन द टेरेस एंड इट्स ओपन, तो पूरी दुनिया जो है यहाँ से पूरी खूबसूरत दिखती है, एंड ठंडी हवा में बैठ के आदमी चिल कर सकता है यहाँ पे। और हम लोखंडवाला में रहते हैं और यहाँ सालों से कोई होटल्स नहीं थे, हमको लगता था कि सब VIPs रहते हैं, कोई होटल क्यों नहीं है। सो थैंक्स टू फैजान, उन्होंने बहुत अच्छा होटल खोला है एम्प्रेसा, विच इज़ डूइंग वेरी वेल। और आज ये करण ने टेरिस पर ये जो OTM खोला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेगुलर जॉइंट फॉर श्योर। हम और हमारे सभी दोस्त यहाँ पे चिल करने आएंगे क्योंकि ऐसी जगह है ही नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बड़े भाई जैसे हैं हरमीत भाई, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन हरमीत भाई, एंड वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड हरमीत भाई नहीं आ पाए इस बात का दुख है, लेकिन एक भाई आकर पूरी कमी पूरी कर दी है। एंड इट्स वेरी हॉट बट स्टिल पीपल आर एंजॉइंग, पीपल आर हैविंग हुक्का, पीपल आर हैविंग ड्रिंक्स, पीपल आर हैविंग बियर। सो आई एम वेरी हैप्पी यार, दे आर सपोर्टिंग मी। ये हमारा क्या है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो हम ज़्यादा बता नहीं सकते, बट ये है कि आप लोग बताइए, हमारा हर फिल्म में एक गाना रहता है, ये तो हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। और इस साल सिंगल्स बहुत हो रहे हैं, सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन है, कनिका के साथ एक सिंगल आ रहा है, और ये जो सिंगल्स में जो म्यूज़िक आएगा ये सबको बहुत अच्छा लगेगा।